अफगानिस्तान में लगातार बदलते हालातों के बीच आज सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा और अब तक अपने लोगों और देश के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ किया गया है, इस पर विदेश मंत्री आज जानकारी देंगे। अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबानी तूफान ने भारत समेत कई मुल्कों के लिए संकट और गंभीर सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही दक्षिण एशिया समेत कई मुल्कों के रणनीतिक समीकरणों को भी बदल कर रख दिया है। हिंदुस्तान भी तालिबान के आने के बाद से बेहद सजग है। तालिबानी शासन आने से पाकिस्तान और चीन की बाँछें खिल गई हैं, लेकिन अब भारत सरकार को ये तय करना है कि उसकी रणनीति क्या होगी। यही रणनीति आज सर्वदलीय बैठक का मुख्य एजेंडा होगी। सर्वदलीय बैठक में सरकार इन सवालों पर अपना रुख साफ कर सकती है। तालिबान को लेकर उसका रुख क्या होगा, अफगानिस्तान में भारतीय निवेश और हितों की रक्षा कैसे होगी, अफगानिस्तान में बदले हालात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, ऐसे में उससे कैसे निपटा जाए, यानी अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद से ही लगातार उठ रहे हैं और आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सवालों के जवाब सरकार को देने हैं, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग होती रही है कि सरकार तालिबान के साथ हो रहे संपर्क और संवाद को लेकर तथ्य सामने रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी और विदेश नीति के विकल्पों पर भी सबको भरोसे मिले। अफगानिस्तान एशिया में पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारत के लिए अहम रणनीतिक साझेदार रहा है, लेकिन अब हालात और हकीकत दोनों बदल गए हैं। इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसी कड़ी में आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बैठक की मेजबानी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी रहेंगे। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय और राज्यसभा में पार्टी नेता सुकेंदु शेखर रॉय, एनसीपी से शरद पवार रहेंगे। संसद में मौजूद सभी छोटे बड़े दलों को भी न्योता दिया गया है। बैठक में विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑपरेशन देवी शक्ति यानी अफगानिस्तान में भारतीयों और अफगान अल्पसंख्यकों के अलावा जरूरतमंद लोगों को निकालने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। तो अफगानिस्तान को लेकर सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है, एक्शन मोड में है। लगातार जो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जा रहा है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर यह भी कि आज एक सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार ये बताएगी सारे दलों को कि आखिर अब तक क्या कोशिशें हुई हैं, क्या कुछ तालिबान को लेकर आखिर सरकार सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। विवेक काटजूर सर मेरे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं अफगानिस्तान के। एस डी मुनि, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण जैन हिंडन एयरबेस से मेरे साथ हैं। साथ ही प्रणय उपाध्याय का रुख करेंगे दिल्ली से, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे भी दिल्ली से और साथ ही अंकित गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है एसडी मुनि जी और विवेक काटजू सर। मैं आप दोनों के पास आऊं और इस पर विस्तार से हम चर्चा करें। सबसे पहले अपने रिपोर्टर से हम ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। नीरज, ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस बैठक में होगा क्या, आसान शब्दों में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ये राजनयिक दलों की बैठक है, सभी दलों के फोर लीडर्स को बुलाया गया, तो इससे साफ हो गया है कि सरकार एक राजनीतिक कंसेंसस यानी सहमति बनाना चाहती है कि हमारी अफगानिस्तान को लेकर नीति क्या हो, रणनीति क्या हो। और साथ ही सरकार ये भी बताएगी कि अभी तक हमने क्या किया, हमारे कितने नागरिक वहाँ अभी मौजूद हैं और कितने नागरिक को हम ले आए हैं। तो एक डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ सरकार सभी दलों को ये बताना चाहती है कि हमने अभी तक क्या किया और आगे का क्या करें, इसके लिए आप लोग भी हमें सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब बात केवल देश के अंदर का मामला नहीं है, देश के बाहर दो देशों के बीच का मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे होते हैं तो एक देश के साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो अफगानिस्तान जिससे आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, 30,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति या प्रोजेक्ट्स आपके वहाँ पर अभी वाइवल चल रहे हैं। इसके अलावा अब एक बहुत विकट समस्या ये है कि तालिबान अब उस सरकार पे कब्जा कर चुकी, तो कैसे तालिबान, अफगानिस्तान और भारत तीनों के साथ कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इस बात को लेकर ये सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। ठीक है, तो सरकार आज बताएगी कि क्या कुछ रुख है, सभी दलों को इस बारे में सूचित किया जाएगा। अंकित भी मेरे साथ है। अंकित,
पहले बयान जारी होगा, उसके बाद सवाल जवाब भी होंगे, विपक्ष से सुझाव भी मांगे गए हैं, तो विपक्ष का क्या रुख रह सकता है आज? जी, कई विपक्षी दल के नेताओं से जब मैंने बात की है तो उनका यही कहना है कि हमारे जहन में कुछ सवाल है, मसलन कि तालिबान की जो अब नई सरकार अफगानिस्तान में अगर वो सत्ता पर आ रही है तो उसके साथ भारत के संबंध कैसे होंगे, क्या बैकडोर टॉक चल रही है, आने वाले दिनों में तालिबान के साथ में किस तरीके से संबंध होंगे, क्योंकि तालिबान को हमेशा एक आतंकी संगठन के तौर पर भी देखा गया था इससे पहले, लेकिन अब वही उसी ने जो अफगानिस्तान पर जो सरकार बनाने का जो दावा पेश कर दिया और ये कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबानियों की होगी, तो ऐसे में नई सरकार के साथ में क्या संबंध होंगे, जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे कि 30,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि तालिबान की तरफ से ये कहा गया कि आप भारत अपना वो प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है, लेकिन क्या भारत सरकार उसको जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करेगी तो कैसे करेगी, तो ये कई सारे सवाल हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो समूचा विपक्ष है, क्योंकि ये विदेश नीति का मामला है, लिहाजा अगर जो देश की तरफ से अलग अलग बयान जाते हैं, सत्ता पक्ष कुछ और कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, तो वो एक अच्छा माहौल नहीं होता है, लिहाजा पूरे विपक्ष को एक कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है, क्योंकि विपक्षी नेताओं के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार देने को तैयार है, और इसी वजह से आज 11 बजे होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल ठीक है अंकित, रहिए मेरे साथ प्रणय। ऑपरेशन देवी शक्ति, अब तक तो देखा जा रहा था कि लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा था, दिक्कत उस तरीके से नहीं आई, मुश्किल हालात हालांकि थे, आज भी एक विमान आ रहा है जिसमें भारतीय आ रहे हैं, लेकिन कुछ अफगानी नागरिकों को भी आना था लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी तालिबान ने। जी बिल्कुल, जिस तरीके की से ऑपरेशन देवी शक्ति चल रहा था, भारत ने बीते 5 दिनों 7 दिनों की अगर हम बात करें तो भारत ने 800 से ज़्यादा अपने नागरिकों को निकाला है। आज भी जो विमान C-17 विमान भारतीय वायुसेना का काबुल से आ रहा है उसके अंदर 35 लोग आ रहे हैं जिसमें 25 भारतीय और 11 जो हैं वो नेपाली नागरिक हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें आना था जिसके अंदर खास तौर पर अफगान सिख थे वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि तालिबान ने चेक पोस्ट लगा दिए हैं, और इसके अलावा जो अफगान नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन्हें इस चीज़ के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वो अफगानिस्तान छोड़कर न जाए, तो ऐसे हालात के मद्देनजर बहुत सारे लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, एयरपोर्ट के अंदर नहीं दाखिल हो पाए, इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है, और अमेरिका यूके समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को अबी गेट या नॉर्थ गेट या जो काबुल एयरपोर्ट के आसपास के गेट्स हैं तमाम छोड़ने के लिए कहा है, तो ऐसे हालात के मद्देनजर ऑपरेशन देवी शक्ति के लिहाज से अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को अब तक निकाला जा चुका है, निकाल लिया गया है, अब काबुल के अंदर बहुत कम संख्या बची है ऐसे लोगों की जो भारतीय हैं जो वापस आना चाहते हैं, हालांकि अब भी ये रिपोर्ट्स हैं कि हेरात में, मजार शरीफ में, कंधार के कुछ इलाकों के अंदर कुछ भारतीय मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों के सामने चुनौती है कि वो काबुल तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल, अब काजू सर मैं आपसे समझ लेती हूं, ये जो अब अफगानी लोगों को रोक लिया गया है, मिशन देवी शक्ति में दिक्कतें तो आई क्योंकि उन लोगों को हम नहीं ला पाए, आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? तालिबान ने ये अनाउंस किया था कि वो अपने नागरिकों को बाहर नहीं जाने, मुझे लगता है ये जो आज उन्होंने प्रतिबंध लगाया सिखों पर वो उसी फैसले के तहत किया। इस वक्त हमारी नजर भारत के सामरिक हितों पर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं अफगानिस्तान में उससे हमें हमारी परेशानी और चुनौती अपने पूरे पश्चिम पड़ोस के देशों में बहुत ज्यादा बढ़ गई जी। यही मेरी उम्मीद है कि हमारा राजनीतिक वर्ग अपनी पूरी दृष्टि इन दलगत राजनीति से आगे ऊपर उठकर सामरिक हितों को प्राथमिकता देगा और भावनाओं के आधार पर कोई फैसले नहीं हो, क्योंकि अगर आज गलत फैसला हो गया तो वो आने वाले सालों में हमें बहुत महंगा पड़े। इस वक्त एक बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, अमेरिका ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट पर सतर्क रहने के लिए कहा है, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान से, अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने के लिए कहा है, साथ ही ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को कहा है कि वो एयरपोर्ट से दूरी बनाकर रखें। और देखिए अफगानिस्तान को लेकर बड़ी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, अब एसडी मुनि सर मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, आपका विश्लेषण क्या कहता है, अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगा भारत या फिर अब कुछ फैसला लेने का वक्त है? वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तक तालिबान की सरकार बनी नहीं है और ये अंदाज नहीं है कि वो क्या जो कह रहे हैं कि इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे क्या बनाएंगे,
कितने ओपोजिशन के लोग होंगे, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए थोड़ा बहुत कॉशियसली जाने की जरूरत है। लेकिन एक बात सही है कि हमें अपनी जो नीति है अफगानिस्तान के लिए उसको दो बातों से आजाद रखना पड़ेगा, एक तो पाकिस्तान ऑब्सेशन से आजाद रखना पड़ेगा, एक अमेरिकन डिपेंडेंस से आजाद रखना पड़ेगा। इन दोनों को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रखना है, लेकिन सारी नीति का आधार यही दो मुद्दे हो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की सरकार ने अच्छा किया है कि वो ओपोजिशन से बात कर रही है, पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था ये सिलसिला। और ओपोजिशन को भी चाहिए कि वो ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय परिवेश में देखें, दलगत राजनीति से उसको नहीं जोड़ें, ये राष्ट्रीय मसला है। और ये बात, ये इस तरह की जो मीटिंग है वो मैं समझता हूँ लगातार होनी चाहिए, जहाँ हर वक्त ओपोजिशन को और सारे देश को अपडेट किया जा सके। तो एक तरफ आज सरकार ने अफगानिस्तान के ताजा हालात पर सभी दलों की बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर कई अफगान नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर जिसका इंतजार हो रहा था, काबुल से C-17 ग्लोबमास्टर विमान हिंदुस्तान पहुंच गया है। 24 भारतीय नागरिक इस विमान के जरिए वतन वापस लौटे हैं। 24 भारतीयों को लेकर काबुल से ये विमान चला था जो हिंदुस्तान लौट आया। सीधे रुख करेंगे, वरुण जैन हिंडन एयरपेस पर ही हमारे साथ मौजूद है। वरुण, विमान पहुंच गया है, क्या कुछ बताएंगे आप वहां से? और देखिए बिल्कुल शीरिन, अब से कुछ ही देर पहले हिंडन एयरबेस पर C-17 ने लैंड कर लिया है। टोटल 35 लोगों को लेकर आया है, जिनमें 24 भारतीय और 11 नेपाली जो नागरिक है वो है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, थोड़ी सी निराशा अफगानी सिखों को लेकर है जो कि नहीं पहुंच पाए अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि अब विमान लैंड कर गया है। 35 लोग हैं, उनका अंदर एंटीजन टेस्ट होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 से 12:30 बजे के आसपास जो लोग हैं वो एयरबेस से बाहर निकल जाएंगे। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ वरुण, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन दूसरी खबर इससे जुड़ी हुई ये भी है कि अफगानिस्तान के हालात को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। सरकार इसमें बताएगी विपक्षी दलों को कि आखिर सरकार कर क्या रही है, जो जवाब है उनके जवाब भी, सवाल होंगे उनके जवाब भी दिए जाएंगे। नीरज, थोड़ी देर का वक्त और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। हॉल में यह बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों को ईमेल द्वारा इनविटेशन भेजा गया है। ज्यादातर दल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, और चूंकि इस बैठक में शामिल होने के पीछे का पर्पस सबसे बड़ा यही है कि आज जो विदेश मंत्रालय है एक डिटेल प्रेजेंटेशन देगा कि अब तक जो पिछले कुछ दिनों में हालात रहे हैं तालिबान अफगानिस्तान के, उसको लेकर अब तक भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ने क्या किया, हम भारत सरकार ने क्या क्या पहल की, कितने लोग हमारे फंसे थे, किनको, कितने लोग, करीब 800 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। अभी अभी जो थोड़ी देर पहले वरुण ही बता रहे थे कि एक प्लेन अभी लैंड किया जिसमें से 35 लोग भारत पहुंचे हैं। तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरे ये डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ सब दलों के सामने रखेगा कि अब तक हमारी पहल क्या रही है। उसके बाद एक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश से बात कर रहे होते हैं तब आपसी जो मतभेद है उनको भुलाकर एक कंट्री के रूप में आप बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे में सरकार चाहती कि कल के कोई भी ऐसी बात सामने ना आए कि कोई राजनीतिक दल बयानबाजी करें। और दूसरी बात यह है, केंद्र सरकार हमेशा से उसकी ये पहल रही है कि जब भी कोई बड़े मसले लिए फैसले लिए जाए, बड़े मसले में सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति जरूर हो। तो ये जब आज एक देश से दूसरे देश के रिश्ते का मसला है, ऐसे में भारत सरकार चाहता है कि सभी जितने भी दल हैं हमारे, इसीलिए सभी जिन लोकसभा में जिनके एक भी सदस्य हैं उनको भी ईमेल से इनविटेशन दिया गया है, ताकि आप अपने फ्लोर लीडर की हैसियत से आप इस मीटिंग में शामिल होइए और अपना सुझाव दीजिए। यदि वो सुझाव लगा कि नहीं ये सुझाव देश के हित में है और भारत सरकार को इसे अपनाना चाहिए, तो वो सुझाव एडमिट किया जाएगा। फिलहाल आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए कि भारत का अगला रुख क्या होगा आज की बैठक से तय होगा। बिल्कुल नीरज भाई, आप मेरे साथ और हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, प्रोफेसर एसडी मुनी सर हमारे साथ हैं, साथ ही विवेक काजू सर भी मेरे साथ हैं। मैं दोनों के पास आऊं, लेकिन उससे पहले दिल्ली में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर कई अफगान नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज संसद भवन परिसर में सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों को अफगानिस्तान के हालातों को लेकर के जानकारी देगी कि सरकार किस तरीके से बातचीत कर रही है, किस तरीके से वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की योजना है, किस तरीके से निकाल के लाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो दिल्ली और भारत में अफगान कुछ नागरिक हैं
वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में वसंत विहार में, जहां पर यूनाइटेड नेशन का ये दफ्तर है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ का ये कार्यालय है। और देख सकते हैं कि यहां पर बाकायदा प्रदर्शन चल रहा है, पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं, अफगानिस्तान इज नॉट सेफ तस्वीरें के जरिए बताया गया है। इतना ही नहीं, यहां तो ये भी लिखा गया है कि नो वन इज सेफ इन अफगानिस्तान इवन न्यू बॉर्न बेबीज, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। और इसके अलावा क्या हालात हैं, मौजूदा हालात क्या है अफगानिस्तान में, उनको भी दर्शाया गया है। यूएन जिनेवा वी नीड क्लियर फ्यूचर। और अगर आपको इसके दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं तो कई सारे जो अफगान रिफ्यूजीज हैं वो भारत में इस तरीके से जो रह रहे हैं अब वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो दिन रात यहीं पर गुजार रहे हैं, यहीं पर खाना पीना, उनके अभिभावक भी यहीं पर मौजूद हैं और ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक बच्ची हमको नज़र आ रही है, अफगानी नागरिक है, इनसे बात करते हैं। आप ये बताओ, आप सब लोग यहाँ पर सड़कों पर क्यों मौजूद हो, क्या? यहाँ पर हम आई है क्योंकि हमारा ये यूनिसियर कुछ काम करे, फिर ये कर देने और हमको एक जवाब असली वाला अच्छी वाला हमको दे दे। आप लोग भारत में रिफ्यूजी का स्टेटस है आप लोगों को, तो क्या आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्या है इशू, क्या है? बस सपोर्ट लेटर हमें यहाँ से मिल जाए, जो बाहर देश की कंट्री हो जहाँ में मांग रहे हैं, जो अफगानी जो जिनको मतलब प्रॉब्लम है बाहर देश में, जो वहाँ रिफ्यूजी रह रहे हैं वो हमारे देश पे आ सकते हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम। जैसे 20,000 फैमिली कैनेडा मंगवाया, ऑस्ट्रेलिया ने मंगवाया, US ने मंगवाया, लंदन ने हमें आम अफगानी पब्लिक को मांगा है, तो बस है हमें सपोर्ट लेटर दे दीजिए, कहा क्या हमारा, हम अपना काम खुद आगे कर सकते हैं। तो देखा आपने, लोग परेशान हैं, भारत में रह रहे जो रिफ्यूजी हैं वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, क्योंकि अपना मुल्क घर बार सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में शरण लिए हुए हैं। और दूसरी तरफ अब हमारे मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक काटजू सर, थोड़ी देरी से आपके पास आई हूँ, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले। देखिए, मेरा मानना है कि किसी रूप की सरकार, हाँ हम अफगानिस्तान में हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव सरकार बने, वो सब को लेके साथ चले, वो अधिकार जितने लोगों के अधिकार हैं उनका उनका उनको माने, लेकिन मेरा ये पूर्ण यकीन है कि हमारे सामरिक हितों को नजर में रखते हुए कोई भी सरकार हो उससे बातचीत करनी जरूरी। बातचीत का माने डिप्लोमेटिक रिकग्निशन। मेरा एक और मानना है कि तालिबान से सालों पहले से हमें बातचीत का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि कल ही जनरल रावत साहब ने कहा है कि हम समझ गए थे कि तालिबान आएंगे। अगर हम ये समझ गए थे कि तालिबान आएंगे तो फिर उनसे बातचीत तो करनी ही चाहिए थी। तो कुछ भी हो, बातचीत हो, जिससे हम अपनी जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारी लाल रेखाएं हैं, वो हम उनको बिल्कुल साफ साफ बता सकें। जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये सब हम कर ना नहीं पाएंगे और उन पर कोई प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। ठीक है सर। और देखिए, जिस मुश्किलों की आप बात कर रहे हैं उस पर भी मैं बात करूंगी और जाहिर तौर पर आप कोई ना कोई रास्ता तो इसका निकालना ही होगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है पंजशीर को लेकर। तालिबान और पंजशीर रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि नॉर्दर्न अलायंस के बीच बैठक हुई है। अफगानिस्तान के चरिकर में बताया जा रहा है कि कल ये बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि कल की बातचीत जो हुई वो सही दिशा में जा रही है, इसीलिए ये बैठक आज भी होगी। दोनों पक्षों को इस बात की उम्मीद है कि बिना लड़े और बिना किसी खून खराबे के बातचीत के अच्छे नतीजे आ सकते हैं। तो चरिकर में ये बैठक कल हुई थी और बैठक आज भी हुई है और इस बैठक को पॉजिटिव ये देखा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि दोनों पक्षों को इस बात की उम्मीद जगी है कि एक अच्छी बातचीत हो सकती है बिना लड़े। एसडी मुनि सर, इस पर आपका रिएक्शन? ये अच्छी बात है कि वो आप मसूद पहले से ही कह रहे थे कि हम बातचीत से इसको निपटाने की कोशिश करेंगे और तालिबान भी ये समझते हैं कि पंजशीर में लड़ाई करके न उनका फायदा है, क्योंकि उनकी अंतरराष्ट्रीय इमेज को धक्का लगेगा और न कोई बहुत जल्दी उनको वहाँ विजय भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए अच्छा है कि दोनों के ऊपर कुछ न कुछ कंपल्शन है और उसकी वजह से बातचीत से इसका निपटारा हो, वरना अफगानिस्तान की आंतरिक हालत में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और अफगान जो तालिबान की नई सरकार बनना चाहती है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी धक्का पड़ेगा। तो सबको उम्मीद यही करनी चाहिए कि बातचीत का एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक
परिणाम निकले। ठीक है विवेक अड्जू सर, आपको क्या लगता है ये बैठक किस दिशा में होगी, इसका असर क्या होगा? देखिए पंचेर की एक परंपरा रही कि वो बाहर के लोगों को कबूल नहीं करते, उनको उनके लीडर अहमद शाह मसूद जो थे, जिनसे मैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो अफगानिस्तान के एक हीरो थे, जिहाद के जमाने में उन्होंने रूसियों से मुकाबला किया, उन्होंने तालिबान का मुकाबला किया, तो इसलिए तालिबान ये जानते हैं कि अगर उन्होंने प्रवेश किया पंचेर में तो वहां लड़ाई होगी, और इसलिए वो ये भी जानते हैं कि उनको लचीलापन दिखाना थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। उसी तरफ पंचेर भी जानता है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी ज्यादा सहायता नहीं करेगा। हाँ ताजिकिस्तान में उनको सहानुभूति मिलेगी क्योंकि पंचेर में जो लोग हैं वो ताजिक जाति के हैं, अधिकांश जो अब तालिबान हैं वो पश्तून हैं या पठान हैं जिसे हम कहते हैं जी। तो अब लेकिन ताजिकिस्तान को छोड़ के कोई भी देश जो कि 1990 के दशक में उनकी सहायता कर रहा था पंचेर की खुले, जैसे ईरान और रूस, वो आज के दिन मैदान में नहीं, वो भी चाहते हैं कि सुलह हो, वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से एक ऐसा सिलसिला बने अफगानिस्तान में कि आगे लड़ाई नहीं हो, इसलिए पंचेर पर भी प्रभाव है। और जो कि अहमद शाह मसूद के लड़के अहमद मसूद ने अपने बयानों में कहा है, उस आखिरी चीज में कहूंगा अमरुल्ला साले जो कि बहुत ही एक साहसी व्यक्ति हैं और उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जरूर कहा है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन अगर एक ऐसा सिलसिला बने जहां पर उनको लगे कि पंचेर और ताजिकों की इज्जत का कायम रहेगी तो वो भी फिर मुझे लगता है लचीले हो जाएं। बिल्कुल, और देखिए अगर ये कल बैठक हुई आज भी बैठक हो रही तो यानी कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो इसे देख रहे हैं एक पॉजिटिव तरीके से, और इसीलिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। नीरज पांडे भी मेरे साथ हैं। नीरज देखिए अब जो मौजूदा स्थिति अफगानिस्तान की वो हर मोर्चे पर बदल रही है, चाहे हम अब तालिबान का रुख क्या रहने वाला है या फिर नई सरकार वहां पर किस तरह की होती है, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इन सबको देखते हुए भारत का रुख क्या रहे। देखिए भारत का अभी तक का जो रुख है वो यही है कि बातचीत की जाए, क्योंकि अब तालिबान एक कंट्री के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है, एक सरकार के रूप में इस्टेब्लिश कर रहा है, अभी ये अलग बात है सरकार बनी नहीं है, लेकिन अब भारत का जो रुख है क्योंकि डायलॉग शुरू भी हो चुके हैं, अंदर खाने जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार भारत सरकार के जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी इस पर आगे बढ़ भी चुके हैं, तो देखना ये होगा कि ये आज जो बैठक हो रही इस बैठक में निर्णय क्या होता है, क्योंकि जब आम सहमति बनेगी एक आम राय बनेगी। खबर ही आ रही है इस बैठक से जुड़ी हुई जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में पहुंच चुके हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है, विदेश मंत्री उस बैठक में बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है अफगानिस्तान को लेकर, भारत सरकार क्या सोच रही है, किस तरीके से इसे आगे देखा जा रहा है। टीएमसी और डीएमके के प्रतिनिधि भी बैठक में पहुंचे हैं, सभी दलों के साथ ये बैठक अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर। ABP News, आपको रखे आगे।